अल्ट्रासाउंड सेंटरों के संचालन के लिए पीएनडीएस एक्ट के तहत पंजीकरण जरूरी होता है, लेकिन कुछ लोग बिना पंजीकरण कराए ही जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटरों का संचालन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के धौराहरा में अल्ट्रासाउंड संचालक द्वारा मानकों को ताक पर रखकर एक रजिस्ट्रेशन पर दो अल्ट्रासाउंड सेंटरों का संचालन किया जा रहा है। पहला बीडीसी डायग्नोसिस सेंटर लखीमपुर और दूसरा डायग्नोसिस सेंटर धौराहरा कस्बे में संचालित है। मानक विहीन डायग्नोसिस सेंटर कमर्शियल प्रॉपर्टी की जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ही संचालित की जा रही है। इतना ही नहीं, यहाँ बिना किसी डॉक्टरी एडवाइस के ही अल्ट्रासाउंड किया जाता है। लैब टेस्ट से लेकर अल्ट्रासाउंड तक आशा और तीमारदार के कहने पर किया जा रहा है। आशाओं की कमीशनबाजी के चलते ग्रामीणों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है। इतना ही नहीं, धौराहरा में स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर में महामारी के गाइडलाइन की भी अनदेखी की जा रही है। कोविड-19 से निपटने के लिए अल्ट्रासाउंड सेंटर की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप कहाँ रहती हैं? यहाँ अल्ट्रासाउंड कराने आई हो गया? सब कौन कर रहे थे? आप पहली बार आई हो? आप आशा हैं यही सीएससी धौराहरा में? कौन सा बना? राजापुरी कहाँ है? अच्छा, तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आप यहाँ लेके आती हैं पेशेंट को? क्या पर पेशेंट क्या मिलता है आपको यहाँ? तो यहाँ क्यों बेटा लेके आती है? आप आशा है तो आपको तो सरकारी हॉस्पिटल ले जाए। सरकारी हॉस्पिटल ले जाने की आपकी ड्यूटी है ना, फिर आप यहाँ क्यों लेकर के पेशेंट? आप सरकारी एम्प्लॉई हैं, आपको आशा बहु इसलिए बनाया गया है कि ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं इस तरह की हैं उनको आप सीएससी पर लेके आइए या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाइए। यहाँ पे इस पैथोलॉजी में डायग्नोस्टिक सेंटर में लाने के लिए किसने कहा आपसे? आपका सीएससी प्रभारी कौन है? डॉक्टर सुभाष वर्मा जी हैं, जानते हैं ना? क्या नाम है? क्या नाम भैया? आरिफ। आरिफ, आरिफ जी। पिताजी का क्या नाम है? महमूद। कहाँ रहते हो आरिफ जी? सही है। क्या है, कोई आपके पास पैरामेडिकल डिग्री है? आपके जिन्हें कलेक्शन बॉय करो। कलेक्शन बॉय जी, क्या कलेक्ट करते हो? ब्लड सैंपल जी। अच्छा, कलेक्शन करने के बाद क्या करते हो? कुछ नहीं सर, कलेक्शन देखते हैं पेशेंट का। कब से काम कर रहे हैं सर? 2012 से शरद में पहले थे, उसके बाद तब सत्ते में। अच्छा अच्छा, कलेक्शन करते हो। अच्छा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या डिफरेंस होता है? आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस क्या होता है सर? इसके बारे में हम कलेक्शन के और कर लेते हैं। हमको ये ब्लड सैंपल लेते हो, ब्लड के फैक्टर, आरएच फैक्टर, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी कुछ पता नहीं आपको? फिर कैसे कलेक्शन करते हो? वो तो टेक्नीशियन बताएगा जो लगाएगा। टेक्नीशियन ये है तो टेक्नीशियन आप बताओ कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी में डिफरेंस क्या है? क्या नाम था? शुक्ला जी। पिताजी का नाम बताएंगे? संजय शुक्ला। कहाँ रहते हैं? अमरौली। अच्छा, इसके मालिक कौन है? वो मालिक है इसके सलीम सर। कौन? मोहम्मद सलीम। तो आप उनके भतीजे कैसे हो? भतीजे सर ऐसे रिलेटिव हैं हम उनके। आप शुक्ला और सलीम रिलेटिव हैं सर, वो मेरे बता रहे ऐसे। यहाँ जो है ऐसे आते जाते रहते। अच्छा, ये अल्ट्रासाउंड कौन करता है, क्या नाम? वो डॉक्टर आर के। डॉक्टर आर के और एक लेडीज डॉक्टर बैठती हैं, नाम बता सर। डॉक्टर आर के बैठते हैं। आर के गुप्ता क्या है, रेडियोलॉजिस्ट हैं जी? रेडियोलॉजिस्ट हैं जी सर। आर यू श्योर? यस। और जो दूसरी मैडम, वो क्या नाम है? उनका सर नाम याद है, नाम याद है आपको? मालिक के भतीजे हो, देख रेख करते हो, याद नहीं? मैं यहाँ बात करते हो। अच्छा, आइए हम आपको दिखाते हैं धौराहरा के रामबट्टी चौराहे पे एक आपका अल्ट्रासाउंड सेंटर है, या आपका धौराहरा अल्ट्रासाउंड सेंटर के नाम से जो यहाँ पे संचालित किया जाता है। यहाँ पे बाकायदा एक्सरे किए जा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड महिलाओं के किए जा रहे हैं, और हर तरह की ब्लड के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। बट यहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है पूरी तरह से अनट्रेंड है। यहाँ पे ना ही तो कोई लैब टेक्नीशियन है, ना ही रेडियोलॉजिस्ट है, बावजूद उसके ये फर्जी अल्ट्रासाउंड केंद्र यहाँ पर चलाया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब इस तरह से अनट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर यहाँ के गांव के गरीब महिलाओं के जीवन के साथ खिलवाड़, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ये देखना है कि जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी
ऐसे जो अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड केंद्र और डायग्नोस्टिक सेंटर चलाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कोई आवश्यक कार्रवाई करते हैं या इसको यूं ही छोड़ देते हैं। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह के साथ अनिल सिंह राणा, लाइव 24 लखीमपुर खीरी। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।